हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। बात ये होगी कि वी विल ट्राई टू डेवलप सम ऑफ द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th of December, द डे द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एडॉप्टेड इन 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 75th एनिवर्सरी विल बी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 10th of December 2023। इसी के बिल्टअप के लिए देयर इज़ अ ईयर लॉन्ग कैंपेन जो इस साल 10 दिसंबर से मनाई जाएगी और इस साल की थीम फॉर ह्यूमन राइट्स इज़ डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अब दुनिया में ह्यूमन राइट्स के तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एक एक इशू को डिस्कस करने से अच्छा है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये हो कि ह्यूमन राइट्स के कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आम जबान में, आम अंदाज से यूथ इस नेशन का समझ सके। आज हम उन किताबों को शेयर करेंगे विच प्रेजेंट अ वेरी यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट द कंप्लीट इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स। पढ़ने वालों के लिए ये एक चैलेंज पेश करती हैं। ये किताबें हमको बताती हैं कि वाई इट इज़ जस्ट नॉट द थियरी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट वी शुड नाउ, इट इज़ हाई टाइम मूव टू एक्शन। आज की इस ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग में हमारी पहली किताब है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इन थियरी एंड प्रैक्टिस। इसको लिखा है जैक डॉनली ने। ये किताब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, इसको डेवलप करेगी। ये ह्यूमन राइट्स के अंदर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रॉस कल्चरल ह्यूमन राइट्स को भी देखेगी। क्रॉस कल्चर ह्यूमन राइट्स शुड बी इक्वल। ऑथर जो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं वो ये है कि कल्चर चाहे चेंज हो सकता है लेकिन क्रॉस कल्चरल ह्यूमन राइट्स शुड बी इक्वल, इनएलिनिएबल एंड यूनिवर्सल। उनका कोर वर्कअप जो एरिया है वह यही कल्चरल रिलेटिविज्म एंड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स फ्रॉम कोल्ड वॉर हमको देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस किताब का जो 3rd एडिशन है दैट इज़ मोर रेलेवेंट और उसमें आज के हमको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। उनकी किताब में कुछ मेजर थीम्स हैं और कुछ मेजर स्ट्रेंथ बिल्डिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मेजर कोर थीम है अबाउट ह्यूमन राइट्स दैट द इशूज़ ऑन एंटी जेनोसाइड एटीट्यूड्स। दूसरी इम्पॉर्टेंट कोर है राइट्स ऑफ सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ और तीसरा इम्पॉर्टेंट कोर है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। यानी जब डेवलपमेंट किया जाए तो डेवलपमेंट के नाम पर जब रोड्स बनाई जाती हैं, स्लम्स को उठाया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो कई गाँवों को पुनर्वसन किया जाता है, कई बस्तियों को उठाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेशन किया जाता है और लोगों के हुकूक, ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं। ये किताब आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करेगी ऑन दिस टॉपिक। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम जो ये किताब करेगी दैट इज़ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की थ्योरी को बिल्टअप नहीं करेगी बल्कि हमको ये बताएगी कि ये इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ में प्रैक्टिस एंड एक्शन कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे किया जाता है। दूसरे इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हमारे लिए अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑथर, एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक फिलासफ़र हैं और उनका जो मेजर वर्क है दैट इज़ इन हिज बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पब्लिश इन 1999। सेन की यूनिकनेस ये है, वो इकोनॉमिस्ट हैं तो एक गहरी नज़र से इस इशू को डील करते हैं, स्पेशली द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। सेन आर्ग्यूज़ दैट ह्यूमन फ्रीडम शुड बी बोथ द मीन्स एंड द एंड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किया ही इसीलिए जाए ताकि लोगों को फ्रीडम मिल सके, उनको अपने ह्यूमन राइट्स मिल सके, रादर दैन इट शुड बी द कैजुअलिटी ऑफ इट एज इज़ ऑफन द केस। वो कहते हैं वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एडवोकेट करते हैं जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हों और इंसान को फ्रीडम मिल सके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की फ्रीडम मिले, पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, सोशल सपोर्ट सिस्टम मिले, ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम अथॉरिटीज़ मिले एंड सिक्योरिटी फॉर द सोसाइटी मिले। ऑल इन ऑल ये एक शानदार किताब है, रिटन बाय एन इंडियन, स्पेशली एशियन पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए लिखी गई किताब। अगले हैं विलियम ईस्टरले। और उनकी बुक टिरेनी ऑफ एक्सपर्ट्स रिटन इन 2013. His initial career was in the World Bank. Easterly particularly criticizes large international organizations and Western-based development ideals. वो कहते हैं यही सबसे बड़े problems हैं human rights के issues को cause करने के लिए because of their strategies for economic development in countries ruled especially by the authoritarian dictators. डेवलपमेंटल आइडियल्स दुनिया को जो मिले हैं और दुनिया में जो आज पॉपुलर हुए हैं, दुनिया में डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल आइडिया है. डेवलपमेंट दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग पास्ट की हिस्ट्रीज़ में एंड डोमिनेटिंग कल्चर्स में अलग रहा है. लेकिन जो वेस्टर्न सेंट्रिक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है जो आज दुनिया भर पर गालिब है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. He says locating the formative years of development between 1919 and 1949 highlights a very critical point. और वो point क्या है? Development ideas took shape before there was even a minimal respect in the West for the rights of any individual. West में development के ideas तब जन्मे हैं जबकि West में एक individual को कुछ राइट्स होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग तक डेवलप नहीं हुई है. उनका आर्ग्यूमेंट अबाउट द राइट्स ऑफ पुअर इज़ वेरी क्लियर एंड अ रैशनल वन. गरीबों के राइट्स, खासकर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ये ज़्यादा महत्व रखते हैं उनकी लाइफ एंड वेलबींग और डेवलपमेंट में रादर दैन देयर मटीरियल वेलबींग. यही इम्पॉर्टेंट प्रेमिस है जो वो अपनी किताब में एक आइडिया के तौर पर शेयर करते हैं. अगला ह्यूमन राइट्स का एक जो बड़ा इशू है दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समझना ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये एक बहुत ही क्रूशल जो ग्लोबली बहुत रैम्पेंट होता जा रहा है. मेरी सी बर्ग के जो पीटरबर्ग से हैं उनकी किताब ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ जो कि 2013 में पब्लिश हुई इज़ अ स्पेशल स्कॉलरशिप जो एक स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स इशू से डील करती है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समझना चाहते हैं तो इस किताब को हम पढ़ें. ये किताब एक दिल दहला देने वाली अकाउंट है अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू. दिस बुक विल शेक यू फ्रॉम इनसाइड. ये अपना एनालिसिस में बताती हैं कि हाउ फ्रॉम एफबीआई एजेंट्स टू लॉयर्स टू साइकोलॉजिस्ट ऑल दीज एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज intersect one another in dealing with a very important issue and how this issue of human rights and human trafficking they impact the lives of the victims. इनकी किताब में case studies हैं, stories हैं, first hand examples हैं, offering more value than facts, figures and definitions because they give a picture about the real problem. तो हमारे लिए ये किताब ह्यूमन राइट्स के इशू को अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लेवरी. हम सब समझते हैं कि स्लेवरी जब भी ये टर्म हमारे सामने आता है तो हमको ब्लैक स्लेव्स की इमेज सामने आती है, अफ्रीकन स्लेव ट्रेड की हिस्ट्री हमारे सामने आती है. लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आज जो पूछने की ज़रूरत है कि क्या दुनिया से स्लेवरी ख़त्म हो गई? इज़ इट द गेम ओवर फॉर स्लेवरी? इफ़ यू थिंक सो देन जस्ट गो थ्रू दिस आई ओपनिंग बुक बाय केविन बेल्स डिस्पोजेबल पीपल जो कि 2012 में पब्लिश हुई. ये किताब हमको बताएगी कि मॉडर्न डे स्लेवरी ये क्या फिनोमेना है. बुक टॉक्स अबाउट मैनी ऑफ द लेसर मेंशन टाइप्स इंक्लूडिंग एंटीक्वेटेड स्लेवरी ऑफ मोरिटानिया, फोर्स्ड लेबर दैट इंटरसेक्ट्स एनवायरमेंटल हैजार्ड्स इन साउथ अमेरिका, and children working in brick kilns and brothels out of desperation for themselves and their families. किताब की ज़बान इमोशनल ज़रूर है बट इट इज़ ग्राउंडेड वेरी वेल इन फैक्ट्स एंड रिसर्च. बेल सिर्फ ऑथर ही नहीं है बल्कि एक एक्टिविस्ट भी हैं. ही इज़ द को फाउंडर ऑफ फ्री द स्लेव्स. अपनी इस एनालिसिस को और इस किताब को डेवलप करने के लिए वो अमेरिकन हिस्ट्री से और उसकी बिल्डिंग फाउंडेशन से ही शुरुआत करते हैं. कवरिंग द स्टोरी ऑफ फ्रेडरिक डगलस. फ्रेडरिक डगलस कौन थे? ये ब्लैक अमेरिकन स्लेव थे और उनकी ऑटोबायोग्राफी हम सबको पढ़नी चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ ब्लैक मैन इन स्लेवरी. बेल्स पैशनेटली हम सब के लिए लिखते हैं, इफ़ देर आर स्टिल स्लेव्स हाउ कैन यू बी प्राउड ऑफ योर फ्रीडम. वो पब्लिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं. और वो मैसेज यही है, वी कैन इराडिकेट स्लेवरी, द लॉज आर इन प्लेस, इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक द यूनाइटेड नेशंस आर रेडी, बट नथिंग विल हैपन अंटिल द पब्लिक डिमांड्स एक्शन। आज ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम ह्यूमन राइट्स की सीवियरिटी को समझेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि इस पर एक्ट करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा और वो मैसेज में एक वीडियो होगा कि किसी बच्चे को कहीं रेलवे स्टेशन से चुरा लिया गया, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को बेचा जा रहा है, तब हमको समझ में आएगा कि इसकी कितनी इंटेंसिटी और इसकी कितनी सीरियसनेस है। सीरियसनेस को समझने के लिए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, वील बी एबल टू एक्ट लोकली। वो लोग जो पॉलिटिकली डाउन ट्रॉडन हैं, वो लोग जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, जिनको हम हैव नॉट्स कहते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक हम हमारी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको अदा नहीं कर सकेंगे। So it is very important that on this 10th of December, Human Rights Day, हम ये प्रण उठाएं and take this slogan very seriously and also far and wide. Dignity, freedom and justice for all. Hope कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, hope कि आपको informative लगा हो. If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.